अब करेला भुजिया होगा सबका फेवरेट, कोई भी इसे देख के मुंह नहीं बनाएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ करेले भुजिया का एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा मेरी रेसिपी की वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो करेला की टेस्टी भुजिया को बनाने के लिए यहाँ पर हम 500 ग्राम ले लिए हैं फ्रेश करेला। तो देख सकते हो फ्रेंड करेला हमारा कितना ताज़ा है। आप जब भी मार्केट से करेला खरीदे ताज़ा एंड फ्रेश देख के ही खरीदे, इससे ना करेला बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और खाने में टेस्टी भी होता है। अब हम करेला का जो साइड वाला पार्ट है ना, इसे काट के हटा देते हैं और इसे हम राउंड शेप में तिरछा करके काट लेंगे। करेला को ज़्यादा हमें पतला नहीं काटना है फ्रेंड, वरना ये सॉफ्ट होके गल जाएगा और ढेर सारा तेल अब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरह से थोड़ा सा मोटा काटने से करेला खाने में तो टेस्टी होता है, देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और करेला को सॉफ्ट करने का हम आप लोग का एक ट्रिक बताएंगे, ताकि आप करेला को कितना भी मोटा क्यों ना काट ले, बहुत ही आसानी से सॉफ्ट कर सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह से टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए इसी तरह से हम सारे करेला को काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे करेला को हमने काट के तैयार कर लिए हैं। अब जो करेला का थोड़ा सा हार्ड वाला बीच है, इसे हम चुन के हटा देंगे। इसी से करेला बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो जाता है और खाने में टेस्टी नहीं लगता है। और जो ये नरम वाला बीच है, इसे हम रहने देंगे, इसमें ज़्यादा कड़वापन नहीं रहता है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसी तरह से हम सारे बीच को निकाल लेते हैं। तो करेला का जो हार्ड बीज था उसे हमने निकाल दिए हैं, जो नरम बीज है उसे हम रहने दिए हैं। ये देखिए अब हम करेला का कड़वापन को हटाने के लिए इसमें हम 1.5 छोटे चम्मच भर के डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड, फ्राई करते समय इसमें हम नमक नहीं डालेंगे। और इसका कड़वापन का हटाने का जो मेन ट्रिक्स है वो है नींबू। नींबू और नमक के साथ अच्छे से करेला को मिक्स करके आधा घंटा रख देने से इसका जो कड़वापन है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और करेला हमारा अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक नींबू का रस का इस्तेमाल किए हैं। अब हम नींबू का रस और नमक के साथ अच्छे से करेला को मिक्स करके आधा घंटा के लिए रख देते हैं, ताकि इसका जो कड़वापन है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड आधा घंटा के बाद मिलते हैं। तो करेला को रखे हुए हमें आधा घंटा हो गया है, इसका जो कड़वापन है ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, और करेला ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है ये देखिए। अब हम करेला का जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसे हम हाथों से अच्छे से निचोड़ के एक प्लेट में अलग करके रख लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड कितना सारा करेला से पानी निकल रहा है, और करेला का आप कितना भी अच्छे से निचोड़ ले, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो हम नमक मिलाए थे ना उसकी वजह से करेला हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए इसी तरह से हम सारे करेला का जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम अच्छे से निचोड़ के एक प्लेट में अलग करके रख लेते हैं। तो ये देखिए सारे करेला का पानी को हमने निकाल लिए हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड आप लोग करेला ने कितना सारा पानी छोड़ा है। तो इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे छान के आधा लीटर पानी के साथ मिक्स करके थोड़ा सा नमक डाल के पीने से ना खून साफ होता है। अब हम उसी बड़ा सा बर्तन में करेला को निकाल लिए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कलर के लिए 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, और डालेंगे 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, साथ में डालेंगे 1 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ही कम तीखा होता है फ्रेंड। अब हम करेला को चटपटा बनाने के लिए 1/2 छोटे चम्मच डालेंगे नींबू का रस। आप इसके जगह आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेसन। बेसन डालने से ना करेला में जो पानी का नमी है वो पूरा बेसन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन सारे मसाले के साथ हम अच्छे से करेला को मिला लेते हैं। अगर आपको लगे कि करेला में नमी है तो यहाँ पर 1/2 चम्मच बेसन और डाल के मिला सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड सारे मसाले के साथ हमने करेला को मिला लिए हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं।
तो करेला का भाजी को बनाने के लिए एक मोटे तले वाली कढ़ाई को हमने अच्छे से गर्म कर लिए। इसमें हम 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम 1 छोटे चम्मच 5 फ़ोरन डाल देंगे और 5 फ़ोरन को अच्छे से चटकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 फ़ोरन हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब हम इसमें करेला को डाल देंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है फ्रेंड। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे ना इस तरह से बना के हफ्ता भर स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। तो करेला को भुने हुए लगभग हमें 4 मिनट हो गया है। अब हम इसे ढक के लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि करेला हमारा अच्छे से सॉफ्ट होके पक जाए। तो करेला को ढक के पकाए हुए हमें लगभग 6 मिनट हो गया। बीच बीच में इसे हम उलट पुलट करके चला लिए थे ताकि करेला अंदर से जले ना। तो देख सकते हो फ्रेंड, करेला हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम को हाई करके 1 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम में भून लेते हैं ताकि करेला हमारा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा करेला का भाजी बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस तरह से एक बार आप करेला के भाजी जरूर बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। गारंटी है मेरी कि आप जितने तरीके जानते हो सारे तरीके भूल जाइएगा। बड़े तो बड़े बच्चों भी इसे बहुत ही चाव से खाना पसंद करते हैं। करेला ऊपर से जितना क्रिस्पी दिख रहा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, आप इसे रोटी चावल या फिर किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो। आप इसे एक बार बना के हफ्ते भर भी स्टोर करके रख सकते हो। तो ये करेले की रेसिपी आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ हमें कमेंट पे बताना ना भूले। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।